वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल टेक्निकल एंड एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आपको मेरे चैनल पर पहले से टेक्निकल एंड एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं, तो दोस्तों है तो कुछ टेक्निकल ही, लेकिन बस एक इंडियन देसी जुगाड़ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और दीपावली आने वाली है, तो दीपावली पर जो छोटे बच्चे हैं पटाखे फोड़ने के लिए जिद करते हैं और कभी कभी मजबूरन हमें उनको पटाखे दिलाने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। जबकि आपको पता है कि पटाखे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आजकल मैं आइडिया आपको लेकर आया हूँ, उसमें बहुत ही सस्ती कीमत पर और बहुत ही कम पॉल्यूशन वाले पटाखे आज के आइडियाज़ में आपको मिल जाएंगे। तो अब आज का आइडिया क्या है उसके बारे में आप आगे मेरी वीडियो में देखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं जिसको कुछ लोग तीली पटाखा के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको तीली बम के नाम से जानते हैं, तीली क्रैकर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको नाल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप इसके लिए जैसा कि मेरे हाथ में आप ये लकड़ी देख रहे हैं, ये लकड़ी जो है ये घर में जो आप वाइपर यूज़ करते हैं उससे मैंने ली। एक से सवा फिट की लकड़ी देखकर आप इसको ब्लेड से काट लीजिए, या फिर आप ये भी देख सकते हैं जिस साइज़ का ये ब्लेड है, ये ब्लेड से इसका साइज़ नाप लीजिए और इससे बस थोड़ी सी बड़ी करके और इसको यहाँ से काट लीजिए। मुझे लगानी है नाल बनाने के लिए उतनी बड़ी लकड़ी में इसको रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये मेरे हाथ में जो है ये बाइक की तीली है। आप सभी जानते होंगे ये बाइक के रिम में लगती है, और ऐसी तीली आपको लेनी है जो कि आपको मार्केट से 5 से 10 रुपए में मिल जाती है। और ये तीली थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये आप यहाँ पर देखेंगे तो तीली का जो ये होल है ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब इसके लिए आप बुलेट मोटरसाइकिल की जो तीलियाँ होती हैं वो मांगेंगे, तो बुलेट मोटरसाइकिल में जो तीली लगती है वो तीली लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चूड़ियाँ दी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर कम से कम आप इतना कस दीजिए कि इस तरीके से, और जितनी बची है उसमें से आधी इसको कस दीजिए। ये मैंने इसको आधा कस दिया है और ये देख रहे होंगे आप आधी चूड़ियाँ यहाँ रह गई हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, जिस साइड पर ये पहले से मुड़ी हुई है उस साइड बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, इसको ऐसे मोड़ना है। यहाँ से हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, और उसके साथ साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप इसको हथौड़ी से थोड़ा सा चपटा कर देंगे। जैसा कि यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए ये यहाँ पर मैंने हथौड़ी मारकर इसको चपटा कर दिया ताकि ये खुले नहीं। यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे नापना है। उसके बाद एक छेद आप यहाँ पर कर लीजिए सबसे पहले, और इसको यहाँ से काट कर इसको पेचकस से ऐसे निकाल देंगे, आप आराम से निकालिएगा ताकि साइड ना टूटे, या फिर ज़मीन पर रख के ऐसे आप इसको जगह को खाली कर दीजिए काटने के बाद। अब देखिए इस तरीके का छेद बन चुका है, आप इसको यहाँ से ध्यान से देखिए, और इसको मैं इसको यहाँ पर रखना है और यहाँ पर नाप लीजिए कि आपको छेद करने की एक आवश्यकता है वो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इसके नाप के हिसाब से छेद करेंगे आप, आउट नहीं होना चाहिए। अब छेद करने के लिए आप इस तरीके का पेचकस लीजिए, ध्यान रहे कि अगर ड्रिल मशीन से आप कर रहे हैं तो बच्चे ये काम बिल्कुल ना करें। जो छोटे बच्चे हैं जिनको ड्रिल मशीन चलानी नहीं आती है वो ड्रिल मशीन का यूज़ ना करें। इसके लिए केवल और केवल आप इस ब्लेड का और इस पेचकस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार घुमाइए पेचकस और थोड़ी ही देर में ये छेद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक ये छेद हो गया है, आप इसको और इतना चौड़ा कर लीजिए ताकि ये आसानी से लग जाए। देखिए ये इसमें अंदर घुस जाना चाहिए इस तरीके का छेद, अगर एक्स्ट्रा होगा तो भी दिक्कत है और कम रहेगा तो भी। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लगा देंगे,
अब इसके साथ यहाँ पर एक प्लास्टिक का तार बांध ले लीजिए आप, धागा ले लीजिए। अब उसको भी एक धागे को या जो मैंने बताया प्लास्टिक का इस तरीके का, इसको ले लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से इसको लपेट दीजिए, ऐसा लपेटिए ताकि ये खुले ना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको रबड़ लगानी है, इसलिए रबड़ लगाने के लिए यहाँ जगह हम छोड़ देते हैं। अब इसको टाइट करने के लिए, ताकि यहाँ से ये ढीला ना रहे, तो इसको ऐसे प्लास से पकड़िए और इसके साथ इस तरीके का एक तार लीजिए और उसको अच्छे से इस तरीके से तार से बांध दीजिए। आप इसको दो जगह से भी बांध सकते हैं या फिर ज़्यादा तार से भी बांध सकते हैं, वैसा भी तार आपके पास अवेलेबल है, आप उस तरीके के तार से इसको ऐसे बांध सकते हैं ताकि ये हिलेगा नहीं। अच्छा दिखाने के लिए या फिर बच्चों के हाथ में जो इस तरीके का तार का कोई जॉइंट रह गया है वो ना लगे, उसके लिए आप इस तरीके से टेप बांध दीजिए। उसके अलावा मैंने यहाँ पर जो इसको बनाया था इसे भी मैं दबा देता हूँ, और ये बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें हमको रबड़ बांधनी है, रबड़ बैंड बांधने के लिए यहाँ पर ये निकला रहना चाहिए बस। उसके बाद अगर आप इसको और भी कलरफुल बनाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो आप इस पर कलरफुल टेप लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से भी कवर कर दिया है, यहाँ से भी मैंने टेप लगा दी है। अब इसको अगर चाहते हैं कि इसमें कुछ अलग कलर का डिज़ाइन बन जाए, तो आप चाहें तो कलरफुल टेप ले सकते हैं, दो कलर की, तीन कलर की, या फिर इस लकड़ी पर आप जितने कलर का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उतने कलर की टेप ले सकते हैं। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर दो कलर की टेप है, तो मैं यहाँ पर दो कलर की टेप लगा देता हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने ब्लैक कलर पहले लगाया था, रेड कलर अब मेरे हाथ में है, मैं इसको रेड कलर की टेप तो लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी अट्रैक्टिव लुक इसकी बन जाएगी। अब हमें क्या करना है इसके लिए, जैसा मैंने आपको बताया था, इसके लिए हमें रबड़ बैंड क्या है। अब इस रबड़ बैंड को मैं यहाँ पर इस तार में बांध देता हूँ। रबड़ बैंड को इस तरीके से आप बांध सकते हैं। उसके बाद एक हमें इस तरीके का पेच लेना है, जो कि आपको बहुत आसानी से आपके घर में मिल जाएगा, दुकान पर मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और पेच का साइज़ आपको देखना है कि यहाँ पर इस तरीके से, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो, इस तरीके का आपको पेच लेना है। और ये आप देख रहे होंगे, ये रबड़ बैंड जो मैंने लगाया था, इस पेच को इसके साथ लगा रहे हैं, यहाँ से इस पेज को इसके साथ इस तरीके से लगा देंगे, ये इस तरीके से। अब इसको ऐसे हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे खास ये ध्यान रखना है कि ये जो चोट ज़मीन पर लगनी है, ये एरिया ज़मीन पर लगना है। जब भी आप इसको मारेंगे तो ये सीधा ज़मीन पर लगना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर। अब मुझे ये हाथ ज़्यादा ऊपर करना पड़ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और मोड़ देता हूँ, इसको इस तरीके से थोड़ा सा और मोड़ देंगे। ये मैंने थोड़ा सा और मोड़ दिया है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर। अब मैं चोट अगर ऐसे मारता हूँ तो ये बिल्कुल सही चोट लगेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है कि ये आप देख रहे होंगे तीली का मसाला, माचिस की तीली जो घरों में यूज़ करते हो आप लोग, वही तीली की, तीली के मसाले को आप इस तरीके से ऐसे रख के इस तरीके से कीजिए, मसाला शुक्र इसके अंदर भर जाएगा। ऐसे तीन से चार तीलियों का मसाला आप इसके अंदर भर लेंगे। मसाला भरने के बाद इसको ऐसे लगाएंगे और ये रबड़ इसको खींच लेंगे। अब आपको इस तरीके से चोट मारनी है कि सीधा रहना चाहिए, अगर सीधा नहीं रहेगा तो या तो कील मुड़ जाएगी या फिर पटाखा नहीं फूटेगा। देखिए मैं आपको एक बार ये करके दिखा देता हूँ।
दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है या आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है या आपके बच्चों को भी कोई फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको दबा के ज़रूर जाएं और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि उनके बच्चे भी इसी प्रकार की कोई चीज करते हों और इससे उनको भी कोई फ़ायदा हो जाए, एक आइडिया मिल जाए, इंडियन जुगाड़ मिल जाए। मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो कोई बच्चा देख रहा है तो वो अपने बड़ों के साथ रहकर ही इस प्रकार के पटाखे चलाएं, और अगर मेरी वीडियो आप जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी एडवाइस देना चाहूँगा कि बच्चे जो पटाखे चलाएं या फिर इस तरीके के पटाखों की जिद करें तो अपने सामने उनसे पटाखे चलवाएं। मैं ये नहीं कहता कि उनको ज़रूर चलवाएं, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं मानते हैं तो सावधानी पूर्वक उनसे पटाखे आप चलवा सकते हैं।